देश के अंदर 55 वर्षों तक राज करने वाला राजनीतिक दल आज इतना हल्का हो सकता है, आज का नेतृत्व इतना कमजोर हो सकता है कि वो इस प्रकार की चीजें समाज के अंदर लाए। इलेक्शन कमीशन है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। नहीं तो आधार क्या है? कोई आधार नहीं है, केवल भ्रम फैलाना समाज के अंदर। प्रधानमंत्री जी को यह कह देना कि वो जो है मौन धारण करके चले गए, अरे 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं, ये कोई मजाक है? कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को कह दे कि वो छोड़ के चले गए, भाग गए, बोले वो जा करके मौन बैठ गए, अरे आप में क्षमता नहीं है मौन करने की। आध्यात्म उसी को होता है जिसका भगवान को जिसका आशीर्वाद होता है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन में प्रश्न खड़े करना, इस प्रकार की ईवीएम पर चीजें उठाना, ये कांग्रेस बहुत आज कमजोर हो गई है और हल्केपन से देश के अंदर इस प्रकार की बातें कर रही है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, क्या आधार है बताइए? कैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं? देश की संवैधानिक संस्थाओं पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। यह दुर्भाग्यजनक है, देश की कमजोरी का यह उदाहरण।